करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। CAA को लेकर दिल्ली में हुए दंगों में अब तक करीब 47 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा के पीछे कपिल मिश्रा, भीम आर्मी की मुखिया चंद्रशेखर आजाद और आप पार्षद ताहिर हुसैन के बाद अब नया नाम सामने आ रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वो है JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद का। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। इस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह उमर खालिद लोगों को भड़का रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तब हम उन्हें दिखाएंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल में उनके एक भाषण का क्लिप सामने आया है। ये भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से ठीक पहले 17 फरवरी का है। ट्रंप के आने के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब लोग उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।